दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फोन पे ऐप के द्वारा ब्रॉडबैंड का बिल कैसे जमा कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फोन पे ऐप को ओपन करेंगे। ऐप ओपन करने पर आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे, रिचार्ज एंड पे बिल्स के सेक्शन में आपको सी ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यूटिलिटीज वाले सेक्शन में आपको ब्रॉडबैंड एंड लैंडलाइन का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने बिलर लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपना बिलर सेलेक्ट कर सकते हैं या इसमें बिलर नेम डालकर सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने इसमें एयरटेल ब्रॉडबैंड डालकर सर्च किया है। इसके नीचे बिलर सर्च होकर आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें टेलीफोन नंबर डालेंगे विद एसटीडी कोड। जब आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं उस समय आपको एक टेलीफोन नंबर दिया जाता है, या आपके पास जो मंथली बिल आता है उसमें भी टेलीफोन नंबर दिया होता है। इसमें टेलीफोन नंबर डालने के बाद कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद बिल डिटेल्स फैच होकर इस तरह से आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि कस्टमर नेम, बिल नंबर, बिल डेट, सर्किल और बिल अमाउंट और बिल ड्यू डेट। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपका बिल ऑटोमेटिक पे हो जाए तो फिर आप इस चेकबॉक्स में टिक कर सकते हैं। ऑटो पे होने से पहले आपको रिमाइंडर कराया जाएगा। इसके बाद प्रोसीड टू पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से पेमेंट मेथड चूज करेंगे। आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, या तो आप UPI लिंक बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं, या फोन पे वॉलेट से कर सकते हैं, या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, या अदर UPI ID या ऐप से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से बिल पे करना चाहते हैं तो यहाँ एड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालेंगे। इसमें 16 अंकों का कार्ड नंबर डालेंगे। इसमें कार्ड की एक्सपायरी डेट डालेंगे और इसमें CVV नंबर डालेंगे। अगर आप कार्ड की डिटेल सेव करना चाहते हैं तो आप पे एंड सेव के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप कार्ड की डिटेल सेव नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप पे विदाउट सेविंग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका कार्ड ऐड हो जाएगा। आप यहाँ क्लिक करके चार्जेस देख सकते हैं, कार्ड से बिल पे करने पर कौन कौन से चार्जेस लिए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 5.53 रुपए कन्वीनियंस फीस के लिए जा रहे हैं। अगर आप UPI ID या UPI लिंक बैंक अकाउंट से बिल पे करेंगे तो यहाँ आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ से कार्ड सेलेक्ट करके पे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP कोड सेंड हो जाएगा। उस OTP कोड को इसमें डालकर जैसे ही आप कंफर्म करोगे आपका पेमेंट हो जाएगा। और अगर आप UPI लिंक बैंक अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करना चाहते हैं। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद पे बटन पर क्लिक करेंगे। इसमें UPI पिन डालकर ओके करेंगे। ओके करते ही पेमेंट प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और कुछ ही देर में पेमेंट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल। एयरटेल ब्रॉडबैंड बिलर के साथ पेमेंट अपडेट होने में 4 दिन का समय लग सकता है। आप यहां क्लिक करके पेमेंट डिटेल देख सकते हैं और यहां क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद इसे डन कर देंगे। आपके ईमेल आईडी पर इस तरह का एक ईमेल आ जाएगा। थैंक यू फॉर चूजिंग एयरटेल। वी हैव रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ रेट्स फॉर योर एयरटेल न्यू कनेक्शन। प्लीज फाइंड द पेमेंट रिसिप्ट अटैच। ईमेल में आपको पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी। आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगर आप बाद में कभी भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखना चाहेंगे तो आपको होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर हिस्ट्री का ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री शो हो जाएंगी। जैसे कि मैंने ये बिल अभी पे किया है, आप ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करके इसकी फुल डिटेल देख सकते हैं। इस तरह से फुल डिटेल शो हो जाएगी। आप यहाँ से भी पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप फोन पे ऐप से ब्रॉडबैंड बिल पे कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।